Hey geeks, this is me. You're watching Geek Meek. Let's start it. आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे अपकमिंग फीचर बताऊंगा जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी आने वाले हैं। इस मंथ के एंडिंग से पहले उम्मीद है कि आ ही जाएंगे। सबसे पहला फीचर है वो है हैशटैग सिलेक्टर। जी हाँ, हैशटैग सिलेक्टर इनबिल्ट आपकी पोस्ट के अंदर ही आ जाएगा। जब आप अपने पोस्ट करने के लिए जाएंगे तो आपको आप एक दो हैशटैग दे देंगे और आपको कुछ उसके रिलेटेड इंस्टाग्राम खुद से काफी सारे हैशटैग शो कर देगा आपकी स्क्रीन पे। स्क्रीनशॉट दिख ही रहा होगा, कुछ ऐसा आ जाएगा और जो आपके हैशटैग होंगे वो सभी इनविजिबल हो जाएंगे। आपके फॉलोअर्स को बिल्कुल शो नहीं होंगे। जैसे पहले होता था कि आपको फॉलोअर आपके कैप्शन पढ़ने जाता था, उसको 30 20 25 हैशटैग दिख जाते थे और काफी अनोइंग लगता था, काफी अजीब लगता था। वो चीज खत्म हो जाएगी और हैशटैग इनविजिबल हो जाएंगे और इंस्टाग्राम खुद से आपको हैशटैग प्रोवाइड कर देगा। सेकंड जो फीचर है वो है जियो फेंसिंग पोस्ट। जियो फेंसिंग पोस्ट एक फीचर है जो कि आप एक कंट्री को ब्लॉक कर सकते हैं। इस कंट्री के जो बंदे हैं, इस कंट्री का जो अकाउंट है, वो हमें हमारी पोस्ट को ना देख पाए, एक पर्टिकुलर पोस्ट को ना देख पाए, वो सब आप कर पाएंगे। ये एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत बढ़िया चीज नहीं है, लेकिन ये अगर आप एक ब्रांड है, अगर कोई ब्रांड है, उनके लिए बहुत सही चीज है, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स होते हैं एक कंट्री में लॉन्च किए हैं और दूसरी कंट्री में वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए हैं, तो उसके लिए उस चीज में काफी हेल्प करता है ब्रांड्स को कि इधर की खबर उधर नहीं जाती, तो सभी मेंटेन रहता है लेवल। थर्ड जो फीचर है वो है स्टोरी हाईलाइट स्टिकर्स। जी हाँ, स्टोरी हाईलाइट स्टिकर्स, जैसे आप नॉर्मल स्टिकर्स देखते हैं, अपनी स्टोरी में ऐड कर देते हैं, वैसे एक स्टिकर मिल जाएगा। आप किसी की स्टोरी को रीडायरेक्ट कर पाएंगे उस स्टिकर से। आप सभी स्क्रीनशॉट आप देख ही पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आप रीडायरेक्ट कर पाएंगे किसी की स्टोरी को। आप अपनी एक स्टोरी खुद से बना के और किसी का स्टिकर लिंक, एक सबसे लिंक दे पाएंगे किसी की स्टोरी पे जाने के लिए। सो फोर्थ जो फीचर है वो है द क्विज स्टिकर। ये भी स्टोरी के रिलेटेड है। जैसे आपको पता है अभी के लिए ये पोल आता है और मैसेज फीडबैक वाला एक हमारे पास स्टिकर आता है इंस्टाग्राम में, वैसे एक और अभी स्टिकर आएगा, वो है क्विज। और क्विज में क्या होगा कि आप तीन एक क्वेश्चन पूछ के उसके तीन या चार ऑप्शंस दे पाएंगे अपने फॉलोअर्स को और उनमें से वो किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, आंसर को सिलेक्ट करेगा। अगर उसका आंसर गलत होगा या सही होगा उसको उसी टाइम पे पता चल जाएगा। और ये भी एक नया एंगेजमेंट का फीचर है, इससे एंगेजमेंट काफी अच्छी बढ़ेगी। फिफ्थ जो फीचर है वो है म्यूजिक स्टिकर, जो कि काफी समय से चल रूमर्स आ रहे हैं कि अभी आएगा बहुत समय से, लेकिन अभी उम्मीद है कि अक्टूबर खत्म होने से पहले ये फीचर आ जाएगा। आपको पता ही होगा बेसिकली क्या है, अगर नहीं पता आपको बता देता हूँ कि इसमें आप क्या होगा कि आप एक सॉन्ग को रीडायरेक्ट स्टिकर बना पाएंगे और सॉन्ग उस स्टिकर पे अगर क्लिक करेगा तो एक सॉन्ग पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। कई बार बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा होता है और आप उसको स्टिकर में ऐड कर सकते हैं कि ये म्यूजिक चल रहा है, अगर कोई आपको फॉलो सुनना चाहे तो स्टिकर पे क्लिक करके वो म्यूजिक को प्रॉपर सुन पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो नीचे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी इन फीचर्स के बारे में जान पाए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और हमारी जो मोबाइल फोटोग्राफी की एक सीरीज है उसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, उसको आप जरूर देखिए। एंड दिस इज मीट साइन ऑफ, हम महान हमारा भारत महान, हमें तरह ऐसे बहुत सारे। जय हिंद, वंदे मातरम।